लोग कुड़मियों लोग को आदिवासी बना देंगे तो हम असली आदिवासियों का क्या होगा। कि झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए और इसके लिए यह हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक कोई पहल नहीं कर रही है। ये हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज में सुधार के लिए कोई काम नहीं कर रही है। झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा का दर्जा देना होगा, देना होगा, देना होगा। सरना धर्म कोड लागू कराओ, लागू कराओ, लागू करो, लागू करो। आदिवासी संघ अभियान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एम के सांसद और विधायक और चिकी का विरोध करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। एम के सांसद और विधायक और चिकी का विरोध करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हेमंत सोरेन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। के विधायक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, के सांसद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरना धर्म कोड लागू करो। संथापना की है दुमका जिला अंतर्गत सिद्धू मुर्मू कानू मुर्मू चौक में आदिवासी संघेल अभियान की ओर से हेमंत सोरेन जी जो झारखंड के मुख्यमंत्री है इनका पुतला दहन किया गया। हम आदिवासी संघेल अभियान की ओर से और आज इस पुतला दहन का उद्देश्य यही था कि हम लोग जो यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी है ये लगातार आदिवासियों को एक हिसाब से अपमानित का काम कर रहे हैं, दुख पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। वह ऐसा इसलिए कि हम लोग जो यहाँ पर झारखंड के आदिवासी संथाल आदिवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि झारखंड में संथाली को प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए और इसके लिए यह हेमंत सोरेन की सरकार अभी तक कोई पहल नहीं कर रही है और लगातार इसी संथापना से संथाली भाषा और इसके लिए जो व्यवहार की जाने वाली ओलचिकी लिपि का भी इसी संथापना के यहाँ पर जो जेएमएम के विधायक और सांसद है ये लोग भी विरोध का कार्य कर रहे हैं जिससे हम आदिवासी समाज अवगत है आहत हो रहे हैं और हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि संथाली भाषा को यहाँ पर प्रथम राजभाषा का दर्जा दिया जाए और साथ साथ यहाँ पर हम लोग की ये मांग है कि जो लगातार हम लोग जो आदिवासी जो प्रकृति पूजक है हम निरंतर मांग कर रहे हैं हमें हमारी सरना धर्म कोड को मांग दे दिया जाए और साथ साथ हमारे जो यहाँ पर जो लगातार हम लोग मांग कर रहे हैं कि जो ये जो जेएमएम की तरफ से 2018 में ही कुड़मी को आदिवासी बनाने का जो ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं एक हिसाब से ऐसा करके हम असली आदिवासी को मारने का काम करें इसके पीछे भी जेएमएम दोषीदार है। तो हम लोग चाहते हैं कि सरकार इस विषय में सोचे, अगर ये लोग कुड़मी लोग को आदिवासी बना देंगे तो हम असली आदिवासियों का क्या होगा। और साथ साथ हम लोग ये भी कहना चाह रहे हैं कि 1 जनवरी 2023 को माननीय हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री जी ने इन्होंने लिख करके जेएनयू को हमारे मारंगमरु जो गिरिडीह पारसनाथ में स्थित है उनको लिख करके दे दिया। इन्होंने एक हिसाब से हमारे देवता हमारे मारंगमरु पर्वत ईश्वर को बेचने का कार्य किया, इससे भी हम आदिवासी समाज बहुत चिंतित है। इन्होंने हमारे ईश्वर को बेचने का काम किया, इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी का काम किया और हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हम जो आदिवासी हमारे बीच में आदिवासी सोशल व्यवस्था इसमें भी सुधार हो, मगर ये हेमंत सोरेन जी आदिवासी समाज में सुधार के लिए कोई काम नहीं कर रही है। ये लगातार जिस प्रकार से आदिवासी खत्म हो नष्ट हो इसी प्रकार से हम लोग आदिवासी का अस्तित्व ही ना रहे हमेशा उस ओर कार्य कर रही है। जिस चीज़ को लेकर हम लोगों ने तकरीबन यहाँ पर 10 मुद्दों के साथ हम लोगों ने आज पुतला दहन का काम किया और साथ साथ आने वाली 31 जुलाई को हम लोग यहाँ पर संथापना के सभी 6 जिला में हमारे संघेल अभियान की ओर से जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन के साथ वहाँ के डीसी के माध्यम से राज्यपाल का हम लोग अपना मांग को देंगे। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोगों ने यहाँ पर पुतला दहन का कार्य किया और हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि हम आदिवासियों के साथ धोखाधड़ी बंद करें और हम आदिवासियों की जो मांग है खास तौर पर झारखंड में संथाली भाषा को प्रथम राजभाषा का दर्जा और हमारे इसके बाद जो हम जो लगातार मांग करें सरना धर्म कोड को हम लोग को दे दिया जाए, इन्हीं सब मुद्दों के साथ हम लोगों ने अपने बातों को रखा और पुतला दहन का कार्य